हेलो, वेलकम टू माय चॉइस किचन। सभी दोस्तों को मेरी तरफ से हैप्पी रिपब्लिक डे। आज मैं लेके आई हूँ ट्राई कलर इडली, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी है और फ्लेवरफुल इडली है विदाउट इफेक्टिव कलर। नेचुरल कलर मैंने इसको दिए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ आगे। तो यहाँ मैंने ली है सूजी और इसके साथ साथ लिया है एक कटोरी दही। तो जितना आपको इडली बनाना है उसके अकॉर्डिंगली आप सूजी और दही ले लीजिए। मतलब अगर आप, मैंने दो बाउल लिया है तो दो बाउल में एक कटोरी दही डाला है। तो यहाँ पे इसको दही के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल देंगे और इसका एक बैटर बना लेंगे। तो ये देखिए, दही मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एकदम से एक मतलब हमें बैटर इसका रनी नहीं बनाना है। पहले हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके इसका एक बैटर बना लेंगे, थिक बैटर। मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये देखिए, कुछ इस तरीके का बैटर हम बना लेंगे और इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि जो हमारी सूजी फूल जाए। तो इतने हमारी सूजी फूलेगी। इसके साथ जो मैं आपको बता रही थी कि मैं इसको नेचुरल कलर दूंगी, तो सूजी को 15 मिनट के लिए रख देते हैं। और ऑरेंज कलर देने के लिए मैंने यहाँ पे लिए है गाजर और टमाटर। इसको मैंने गाजर को ग्रेट कर लिया है और टमाटर को कर लिया है, इसको हम पीस लेंगे। तो ये देखिए, मैंने पीस लिया है, इसका एक नेचुरल ऑरेंज कलर आ गया है। ये देखिए कितना बढ़िया इसका ऑरेंज कलर आ गया है। आप चाहें तो इसके अंदर हल्का सा फूड कलर भी डाल सकते हैं, क्योंकि जब ये हम इसे स्टीम करेंगे तो फिर ये कलर इसका लाइट हो जाता है। तो यहाँ पे सूजी भी हमारी देखिए तैयार हो गई है, अच्छे से सूजी फूल गई है। अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक बैटर बना लेंगे इडली का। तो ये देखिए, मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है और अच्छे से मिक्स कर दिया है पानी को। इसको अब हम तीन पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। जितना आपको चाहिए ग्रीन और ऑरेंज के लिए उतने पार्ट में आप इसको डिवाइड कर लीजिए। मैं इसे तीन पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ। व्हाइट पार्ट मैंने थोड़ा ज़्यादा छोड़ा है क्योंकि बाकी मैं प्लेन बनाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए, मैंने रेडी कर लिया है तीन बैटर में। और ये जो फर्स्ट वाला कलर है ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये बाउल थोड़ा छोटा पड़ेगा तो मैं बड़ा बाउल ले लेती हूँ। इसके अंदर हम इसे ट्रांसफर कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से, कितना बढ़िया हमारा देखिए ऑरेंज कलर बनके तैयार हुआ। अभी हल्का सा लाइट लग रहा है ये, तो बाकी बचा हुआ बैटर भी हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए सारा ही डाल देंगे हम, ताकि इसमें अच्छा और अच्छा ऑरेंज कलर हमें मिल जाए। तो अब देखिए, हमारा ऑरेंज बैटर बनके तैयार है। कितना बढ़िया इसका ऑरेंज कलर आया है। इसे अब साइड रख देंगे हम और अपना ग्रीन बैटर तैयार करेंगे। तो ग्रीन बैटर के लिए मैंने क्या किया है, मेरे पास ये धनिया पुदीना और हरी मिर्च की चटनी है, ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। तो जो भी हमारी इडली बनेगी बड़ी ही फ्लेवरफुल बनेगी। इसमें जो हमारी कैरेट और टमाटो वाली इडली है उसमें आपको एक टैंगी टमाटो का फ्लेवर मिलेगा और यहाँ पे मिंट और कोरिएंडर का जो मतलब कॉम्बिनेशन है बहुत ही बढ़िया लगता है। तो इस इडली को ज़रूर एक बार ट्राई करके देखिएगा। तो देखिए, मैंने यहाँ पे डाल दिया है और अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो तीनों बैटर बनके हो गए हैं रेडी। अब हम मोल्ड तैयार कर लेते हैं इडली का। इसके अंदर हम थोड़ा सा ऑयल लगा के इसे ग्रीस कर देंगे और पानी मैंने ऑलरेडी गर्म होने के लिए रखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, सोडा लेंगे और एक एक पिंच इसके अंदर सोडा डाल देंगे। सोडा हमेशा एंड में ही डालिएगा जब आप इडली बनाने लगें, क्योंकि अगर आप पहले डाल देंगे तो इडली आपकी जो फ्लफी फ्लफी नहीं बनेगी। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे और सोडा डालने के बाद ज़्यादा मत चलाइएगा, नहीं तो उसके अंदर एयर बबल्स छूट जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने तीनों में अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब
अब हम इसे मोल्ड में भर देंगे। थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे। आप चाहें तो नमक स्टार्टिंग में ही जब आप व्हाइट बैटर बना रहे हैं तब भी डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पे एंड में डाला है। तो तीनों को अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब हम इसे मोल्ड में डाल लेंगे। तो एक बार टैप कर देंगे और सारे देखिए रेडी कर लिए हैं। अब हम इसे बॉईल करने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पे मैंने स्टीम करने के लिए रखा हुआ था पानी, इसमें इसे रख देंगे और मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए कुक करेंगे और ये रेडी हो जाएंगे। तो 5 मिनट के बाद मैं देखती हूँ। ये देखिए हमारी इडली जो है बनके तैयार है। मैं एक बार नाइफ से चेक करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए नाइफ बिल्कुल क्लीन निकला है, इट मीन्स हमारी इडली बनके तैयार है। तो बस अब इसे हम निकालेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद डीमोल्ड करेंगे, नहीं तो क्या होता है, ये इडली हमारी चिपक जाती है। तो देखिए रेडी है हमारी ट्री कलर इडली। बहुत ही बढ़िया फ्लेवर, बहुत टेस्टी लगती है। एक बार ट्राई जरूर करके देखिएगा और रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनों के साथ रहिए और मेरी वीडियोस को एंजॉय करते रहिए। थैंक यू।